हाय व्यूअर्स, अक्सर ये देखा गया है कि जब भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट में कोर्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट में झूठी सच्ची कहानी कहते हैं और झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन इन्हीं झूठे सच्चे इल्ज़ामों को क्या आप क्रूअल्टी करार दे सकते हैं? और इसी क्रूअल्टी यानी कि क्रूरता के बेसिस पे क्या आप डिवोर्स ग्रांट करा के ले सकते हैं कोर्ट के अंदर? अंडर हिंदू मैरिज एक्ट क्या आप अपने मैरिज को डिसॉल्व करा सकते हैं? इस चीज़ का जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में 2019 के इस जजमेंट में, जिसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स, 2005 में हस्बैंड वाइफ की शादी होती है और उनकी शादी के 18 महीने के बाद उनमें सेपरेशन हो जाता है, उनका एक बच्चा भी था। 2007 में जब वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है, वो अपने हस्बैंड पर और अपने हस्बैंड की भाभी यानी कि सिस्टर इन लॉ के ऊपर 498A का केस दर्ज करा देती है और साथ ही साथ 125 CRPC के अंदर मेंटेनेंस भी ग्रांट करने की एप्लीकेशन डालती है कोर्ट के अंदर। इसमें क्या होता है कि प्राइमा फेसी जो है वो जो हस्बैंड की भाभी है उसके अगेंस्ट में केस इतना प्राइमा फेसी नज़र नहीं आता, तो हस्बैंड की भाभी इसे क्वैश करा लेती है अपने अगेंस्ट में हाई कोर्ट में जाकर। देखिए व्यूअर्स, जब भी आपके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है जो कि ऐसा लगता है प्राइमा फेसी कि वो ठीक नहीं है या उसमें कोई आधार नज़र नहीं आ रहा है, तो उसे आप क्वैश करा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो हस्बैंड जो है कोर्ट के सामने डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज की एक एप्लीकेशन डालता है दो ग्राउंड के ऊपर। एक वो ये कहता है कि उसकी वाइफ जो है मेंटली स्टेबल नहीं है, वो कुछ जहनी तौर पे कुछ बीमार है, इसीलिए मुझे डिवोर्स करा दे दिया जाए। और दूसरा क्रूअल्टी के बेसिस पर, चूँकि उसने मुझ पे इतने झूठे इल्ज़ाम लगाया है, झूठे केसेस किया हुआ है, तो ये क्रूअल्टी है और मुझे इस क्रूअल्टी के बेसिस पर मेरी मैरिज को डिसॉल्व किया जाए। कोर्ट के सामने ये सवाल पैदा होता है कि भाई जो केस किया जाता है वो भले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर हो या 498A के अंदर हो या 125 CRPC के अंदर हो, ये तो एक पर्सन का राइट है, तो क्या उसे क्रूअल्टी करार दे देना चाहिए और उसके बेसिस पे क्या डिवोर्स ग्रांट करना चाहिए? तो लोअर कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और डिवोर्स को ग्रांट नहीं किया। इसके अगेंस्ट में जो है वो बंदा हाईकोर्ट में जाता है और हाईकोर्ट में गुहार लगाता है कि मेरे मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए क्रूअल्टी के बेसिस पे और उसके जहनी तवाजुन के बेसिस पे। इस दौरान क्या होता है कि जो 498A केस उसके अगेंस्ट में चल रहा था, हस्बैंड के अगेंस्ट चल रहा था, उसमें उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और साथ में जो मजिस्ट्रेट कोर्ट थी जो उसने ये नोटिंग किया कि भाई ये जो मैटर चल रहा था इसमें कहीं कोई हैरेसमेंट या कोई 498A के कोई इंग्रीडियंट्स नज़र नहीं आए, ये तो देख के लग रहा है कि शायद इनका कोई ईगो प्रॉब्लम है, आपस में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने डिसॉल्व करने से, मैरिज को डिसॉल्व करने से मना कर दिया, वहाँ पे भी हस्बैंड को हार मिली। इसके बाद हस्बैंड जो है हाई कोर्ट में जाता, सुप्रीम कोर्ट में जाता है इस हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को थोड़ा माइन्यूटली देखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो दो पॉइंट रखे गए थे, एक जो है मेंटल स्टेटस ऑफ वाइफ और दूसरा क्रूअल्टी, जज ने देखा कि भाई वाइफ का ये जो मेंटल स्टेटस कहा गया है ये तो कहीं स्टैंड नहीं करता, क्योंकि वाइफ जो है लेक्चरर है एक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इसीलिए इसे हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि वो मेंटली जो है वीक है या मेंटली किसी तौर पे किसी बीमारी से अग्रित है, तो उस चीज़ों को उसने मना कर दिया मानने से। दूसरा जो पॉइंट था क्रूअल्टी, कि क्रूअल्टी इसके ऊपर बैठती है या नहीं, इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए जज ने सबसे पहले ये देखा कि भाई ये जो मैटर जो 498A का उसके अगेंस्ट में फाइल किया गया था वो डिसमिस हो चुका है और इसमें उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उनके भाभी के भी अगेंस्ट में किया गया था जो कि वो भी क्वैश हो चुका था हाईकोर्ट के सामने, तो ये एक तरीके से आधारहीन था कंप्लेंट, इसीलिए तो वो डिसमिस हो गई। दूसरा पॉइंट ये करार जिसने दिया गया कि ये एक तरीके का हैरेसमेंट है या नहीं, जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था ये पूरे प्रोसीडिंग के अंदर, हस्बैंड के कैरेक्टर के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि इसका किसी और के साथ इलीगल अफेयर चल रहा है जिसकी वजह से इसने ये हमारे साथ ये इतने सारे हैरेसमेंट जो है वाइफ के अगेंस्ट में हुए हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भी जज ने एक सोचा कि ये क्रूअल्टी में आता है या नहीं। इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए एक और केस था जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही हुआ है, वो है विजय कुमार रामचंद्र का केस। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स, कि
वाइफ के अगेंस्ट में हस्बैंड ने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे, उसके कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे। तो जज ने ये कहा कि जब भी किसी के कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो वो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। इस इल्ज़ामों के चलते, इस टॉन के चलते ये बहुत डिफ़िकल्ट है किसी के लिए कि वो उसके साथ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को कंटिन्यू करे। वो उसके हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, उसके मेंटल हेल्थ को, उसके फिज़िकल हेल्थ को, ये सारे टॉन, ये सारे इल्ज़ाम अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए वो केस के अंदर वाइफ के फेवर में जज ने जजमेंट दिया था और उसमें वाइफ ने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की एप्लीकेशन डाली थी और वाइफ के फेवर में वो मैरिज को डिसॉल्व कर दिया गया था। बिल्कुल उसी चीज़ को इस मैटर के अंदर अप्लाई किया गया, लेकिन वो वाइफ के फेवर में था, यहाँ हस्बैंड को सेम चीज़ को लिया गया। देखिए व्यूअर्स, हस्बैंड हो या वाइफ हो, मर्द हो या औरत हो, इमोशन सबके लिए एक जैसे होते हैं। जब भी झूठे इल्ज़ाम लगते हैं तो दोनों को सेम तरीके से हर्ट होता है। बस इसी चीज़ को माना गया, जो कि मैं सचमुच में अप्रिशिएट करती हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज को, जो इन चीज़ों को उसने अप्रिशिएट किया और ये डॉक्ट्रिन को इसके अंदर अप्लाई किया और ये कहा कि चूंकि वो हरासमेंट था तो ये भी हरासमेंट है, और इसे हरासमेंट करार देकर जज ने इस मैरिज को डिसॉल्व कर दिया। एक और चीज़ को नोट किया जज ने कि चूंकि इनकी शादी जो हुई थी वो 2005 की थी और 2007 में इनके अंदर सेपरेशन हो गया था, अब लगभग 10 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, ये लोगों ने आपस में, ये लोगों ने सुलह नहीं की है, ये लोगों के साथ में रहने की कोई एक उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही, तो डिकेड, मोर देन अ डिकेड ये लोगों ने अलग अलग गुजारे, तो अब शादी में रह क्या गया है। तो इसीलिए ये सेपरेशन को देखते हुए और ये क्रूअल्टी को देखते हुए मैरिज को डिसॉल्व करने का जज ने ऑर्डर दे दिया। साथ ही साथ एक और ऑर्डर दिया जज ने, कहा कि भाई जो बच्ची है, जो आपकी जो चाइल्ड है, उसको आपको देना पड़ेगा मेंटेनेंस, जो कि हस्बैंड ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मैं हर महीना 2000 इसे मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हूँ। उस चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया जज ने और उन चीज़ों को नोट डाउन किया। जज ने यह भी कहा कि अगर ये 2000 अमाउंट अगर कम लगता है तो जो माइनर डॉटर है ये एप्लीकेशन डाल के इसे इन्हांस कर सकती है, इसे बढ़ा सकती है। तो व्यूअर्स, ये था जजमेंट 2019 का कि अगर कोई झूठे इल्ज़ाम लगाया गया है, कोई झूठा केस किया गया है, क्या उसे क्रुएल्टी करार देना चाहिए। बिल्कुल वो भी एक तरीके की क्रुएल्टी है और उस क्रुएल्टी के बेसिस पे मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है अंदर हिंदू मैरिज एक्ट। इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे जजमेंट्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी, इसीलिए मेरा चैनल देखते रहिएगा। मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।